अंजुमन इस्लामिया सोसाइटी नाहन के अध्यक्ष याकूब बेग ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर मुस्लिम समुदाय से घर पर रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक महामारी का प्रकोप है तब तक मस्जिद में न जाकर घर में ही नमाज अदा करें। घर पर नमाज अदा करने के दौरान सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहरी राज्य व विदेश से हमारे आसपास लौटा है उसकी जानकारी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को दें ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी में सभी सहयोग करें ताकि इस पर काबू पाया जा सके। मैं याकूब बेग, सदर अंजुमन इस्लामिया नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, अपने प्रदेशवासियों से, शहरवासियों से और विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता हूं कि जो कोरोना की महामारी हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में फैली हुई है और जिसने हमारे प्रदेश में भी दस्तक दे दी है, उससे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। एक तो ये कि भी जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी हमको आती है, मिली है सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से, उसके ऊपर हमें पूरी तरह से अमल करना है कि इससे बचने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, सरकार की बात माननी पड़ेगी 100%, और अपने को बचने के लिए हमें बार बार जो है ना सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि हमको बताया जा रहा है कि भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंस बढ़ा के रखें। अगर किसी आदमी को, किसी पुरुष को या महिला को, बच्चे को खांसी है, जुखाम है या सिर दर्द है या कोई और सांस लेने में दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो फौरी तौर पे इसमें बिल्कुल भी देर ना करें, लापरवाही ना बरतें। जो हमारा नज़दीक का स्वास्थ्य विभाग है उसको खबर करें। अगर हमारे इलाके में, आसपास में कोई ऐसा आदमी जो बाहर के जिले से या बाहर के मुल्क से कोई आया है, उसका भी विशेष ध्यान रखें। पीआईएल टीवी के लिए पोंटा साहिब से ब्यूरो रिपोर्ट।